जिस रोज़ मैंने तुम्हें पहली दफ़ा देखा था, मैं जानती थी कि जीवन में एक नया कांड होने वाला है। दौड़ते भागते, गिरते पड़ते, एक भूरे लिफाफे में साहिर को बांध, मैं जैसे तैसे वहाँ थी जहाँ उस वक्त मुझे होना चाहिए था। गाड़ी सुधरते ही पहला ख्याल, पहली मुलाकात में ही लेट हो तुम लड़की, हद हो। फिर नज़र यहाँ वहाँ घुमाई और सामने थे तुम। और फिर जैसे जैसे बिजली का कौंधना, जैसे नींद में सोते किसी बच्चे का चमक के जाग उठना, जैसे किसी ऊंची इमारत से धक्का लगना, कुछ कुछ वैसा ही था। आसपास का सारा शोर, लोगों की बकर, गाड़ियों के हॉर्न, आईने की एक दीवार, दीवार के इस पार मैं और दीवार के उस पार मुस्कुराते, हाथ से इशारा देते तुम। मगर जो बात थी वो ये थी कि तुम महज तुम नहीं थे। काश कि तुम्हारा वहाँ होना बस तुम्हारा होना होता। मगर जो सच सामने खड़ा था वो ये था कि उस एक पल में मेरे लिए तुम महज तुम नहीं थे। अपने अंदर के सारे घमासान को एक तरफ झटक कर मैं खुद को वर्तमान तक लौटा लाई और वहाँ जो बिखर गया था ना, उस मैं को समेट कर मुस्कुराई, आगे बढ़ी। आईने की उस दीवार से उस पार का सफ़र इतना मुश्किल हो सकता है ना, मैंने सोचा भी नहीं था। दरवाजे से अंदर फिर अपनी वाइड सी स्माइल चिपका के, हे हाय, और तुमने मुस्कुरा के हाथ आगे बढ़ाया। तुमसे हाथ मिलाते वक्त गौर से देखा मैंने, वही तो गहरी आंखें, वो लंबी सी नाक, वो बाहर की ओर निकले कान और वो रेजर बारीक मुस्कान, सब कुछ वही तो था ना। और एक पल को, उस एक पल को कैफे के लट्टों की जगमगाहट, मेरे जिस्म की थरथराहट, आंखों में उतरी डबडबाहट, लफ्जों की वो छटपटाहट, दिमाग में निरंतर झंझनाहट, सब कुछ शून्य। देखो देखो, वैसे मैं बहुत सख्त हूँ, पर यहाँ मैं पिघल गई। तुम कद काठी में उसके बराबर नहीं हो, आंखें शालीन ना कि शैतान, और मुस्कुराते तुम यूं लगे मानो सुकून कोई शब्द नहीं रह गया था, मानो सुकून से रूबरू मुलाकात भी हुआ करती है। एक एक फर्क, एक एक दिलासे की तरह मैं खुद को गिनाए जा रही थी। दिल और दिमाग अजीब कश्मकश में उलझे, आवाज़ पे आवाज़ लगा रहे थे, पलट जाओ लड़की, घर लौट जाओ अभी के अभी। मगर अंदर से सिर्फ एक आवाज़ थी, कुछ देर ही सही, ज़रा थम जाओ। फिर तुम्हारे सामने मुझे ये समझ आया कि मैं ज़िंदगी में कितना आगे बढ़ी थी। वो भी उस पल जब मन में उठते सैकड़ों ज्वार दर्द किनार कर तुम्हें मुस्कुरा के जवाब दिए जा रही थी। अनावृत बहना जाती आंखों को चमक का एक बांध बना चुकी थी और तुम्हें देखने की कोशिश कर रही थी। तुम्हें जो दिख रहा था ना, वो ना देख बस तुम्हें देख रही थी। दिल खुद को शाबाशी पे शाबाशी ठोके जा रहा था, लड़की तुमने कर दिखाया। मगर ये तो मेरे जीवन के महासंग्राम का पहला अध्याय था। तुमसे कितनी सारी बातें और करनी थी, तुम्हें कितना सारा और सुनना था, मगर हम दोनों को देर हो रही थी। और सच बताऊँ तो मेरा वहाँ से हिलने तक का मन नहीं था, क्योंकि चाहे मैं लाख मना कर लूँ खुद को ना, मगर तुम्हारे उस सफ़ेद छीट के नीले कुर्ते की दाहिनी बाजू की महीन किसी सलवट में मेरे दिल का एक नन्ना सा टुकड़ा अटक के रह गया था। तुमसे विदा लेकर, फिर मिलने का वादा देकर मैं घर लौट आई। कई दिन इसी जद्दोजहद में गुजरे कि इतने हसीन मजाकों ने मेरे साथ क्यों लिखे हैं भाई। मतलब 5660 मरतबा मैंने खुद को समझाया कि तुम्हारा तुम होना लाख बेहतर है, क्योंकि तुम वो होकर मेरे दिल को सुकून कभी नहीं हो सकते थे। तुमसे हुई वो छोटी सी मुलाकात मुझे कितने सारे दिन कितना पीछे धकेल गई थी। तकिए में दफन वो सारे आंसू, चूड़ियों से हाथ काटते बिताई सारी वो रातें, आईने में खड़ी बेगैरती, खुद से वो सारे मसले फिर से सामने थे। बहुत मुश्किल था यार, बहुत मुश्किल था। फिर दिन गुजरे, गुजरे महीने और गुजर गया एक साल। इस पूरे वक्त के दौरान बहुत संभाला, बहुत सिखाया मैंने खुद को। अगर ज़िंदगी इम्तिहान लेने पे आमादा थी तो तुम मेरा सबसे खूबसूरत इम्तिहान थे, यकीनन सबसे खूबसूरत इम्तिहान। हर बार खुद को ये समझाया कि तुमको तुम होने की वजह से पसंद करना, तुमसे जुड़ी हर छोटी बड़ी बात को, हर एक पहलू को एक नए नज़रिए से देखना, एक पुराने जाने पहचाने चेहरे को एक अनजान नज़रिए से देखना, मेरी खुद पे जीत थी। मेरे सबसे बड़े डर पर मेरी सबसे बड़ी जीत, हर रोज़ होने वाली एक नई जीत। ज़िंदगी मेरे साथ खेल पे खेल कर रही थी, दिल कहीं और, दिमाग कहीं और निबातों में कुछ और ही रही थी। और हाँ, जिस तरह मैं ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जीती आई हूँ ना, जैसे मैं ज़िंदगी का जश्न मनाती आई हूँ ना, मुझे उस कैटेगरी में बहुत पहले टैग कर दिया गया है, जिस कैटेगरी की लड़कियों को ना यार दोस्तों में फ्लॉन्ट तो करते हैं पर माँ बाप से नहीं मिलाते, जिन्हें घर तो ले जाते हैं पर जिनके साथ घर नहीं बसाते, जो ट्रॉफी तो होती हैं पर वाइफ नहीं बन पाती,
खैर इस बात से अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुमसे होने वाली ये कभी कभार वाली बातें मुझे कितना खुश कर जाती हैं मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। किसी स्याह रात में चिटके तारों का होना कैसा होता है, तुम्हारा होना ठीक वैसा सही है। मेरे अपने अंधेरों के उस कालिख में किसी रोशनदान से छनता उजाला हो तुम, और तुम हो। तुम्हारा होना ही दिल को एक बेहद खूबसूरत सा धोखा कह लो, दिलासा कह लो, जो नाम दे लो। किसी दिन तुम्हें ये सारे सच बता पाऊंगी, इसी उम्मीद में दिन निकले जा रहे हैं। जुलाई की उस तारीख से जुलाई की इस तारीख तक बहुत कुछ बदल गया, मगर मेरे दिल का वो नन्हा सा टुकड़ा आज भी उसी सफ़ेद छीट के नीले कुर्ते की दाहिनी बाजू की महीन किसी सिलवट में अटका सा है, और मैं उसे वहाँ से निकालना नहीं चाहती। मगर मैं ये मान चुकी हूँ मंजिलों की ख्वाहिश में मुझे रास्तों का कद छोटे होते नहीं देखना। मगर मैं ये मान चुकी हूँ कि वो कभी मेरा था ही नहीं, और इस बात से अब मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मगर मैं ये मान चुकी हूँ कि तुम कभी मेरे हो सकोगे या नहीं, मुझे इस बात से भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम मुझे हर एक सवाल क्या, क्यों, कब, किस लिए, कहाँ, कैसे, हर एक सवाल से इतर किसी जवाब जैसे मिले हो, और ये जवाब मुझे बहुत अजीज़ है। तुम्हारी वजह से आज वो लड़की फिर से सांसें ले रही है जिसे मैं बहुत पीछे दफन कर आई थी, वो जिसे रंगों से, कलम से, कूची से प्यार था, तुम मुझे मुझ तक लौटा गए हो। किसी वीरान बीहड़ में झूमता गुलमोहर का पेड़ कैसा होता है ना, बस तुम्हारे होने से मेरी ज़िंदगी वैसे ही गुलजार। तुमसे कहने को इतना कुछ होता है पर मुझे शब्द नहीं मिलते। अब इस अधपके इश्क को अपने कलम की सुर्ख आँच पे सेक कर शायद मैं ज़िंदगी का ये पढ़ाव भी गुजार ही लूँगी। हाँ, मगर इसे मोहब्बत कहते हैं तो फिर तुमसे मोहब्बत ही सही।